क्या पता चला थी क्वालिटी मैनेजमेंट तो टाइप्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल करना है। अपने कल क्वालिटी कंट्रोल तो कर लिया, क्वालिटी कंट्रोल दे विच की कंपनी की काम करना चाहिए ने। उस तो बाद है टाइप्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब सिर्फ कंपनी से चाहिए होता, कोई सिंगल डिपार्टमेंट नहीं, कंपनी सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल करूंगा। वेरियस चाहे जिन्हें भी सुपरवाइजर कंपनी काम कर रहे हैं, जिन्हें भी डिपार्टमेंट वाले पर्सन कंपनी काम कर रहे हैं, सारे की एक जिम्मेवारी होती कंपनी क्वालिटी कंट्रोल करने ली। क्वालिटी कंट्रोल करने लिए इन्होंने सब एरिया डिवाइड किया हुआ है। मीनस कंपनी को असं कह सकते हैं सब तो पहला तो है ऑफलाइन क्वालिटी कंट्रोल। ऑफलाइन क्वालिटी कंट्रोल की होंगी कि असं कंट्रोलेबल स्टैंडर्ड सैटअप कर लेंगे कंपनी के। हले प्रोडक्ट सारा रेडी नहीं हो रहा होंगे, लेकिन असं कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड सैटअप कर लिए किसी कोस्ट लई जां फिर प्रोडक्शन लई जां मिनिमम प्रोडक्शन लई। जदों प्रोडक्शन कंप्लीट किया जाता एक्चुअल क्वांटिटी मेजर करके तो उसे ऑफलाइन क्वांटिटी कंट्रोल करनी। पहला तो स्टैंडर्ड सैटअप करोगे, फिर उसके विच अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करोगे। अगर फेवरेबल कंडीशन आ रही ने तो कंपनी बेनीफिट समझते हैं, अगर अनफेवरेबल कंडीशन आ रही तो कंपनी इदा लगता है कि साड़ी क्वालिटी कंट्रोल प्रोपर नहीं है। दूसरा जो मैथड है स्टैटिकल प्रोसैस कंट्रोल मैथड। स्टैटिकल प्रोसैस कंट्रोल मैथड कंपनी की है डिफरेंट डिफरेंट करेक्टिव एक्शन लेंदी हैगी है भी अपने प्रोडक्शन टाइम नाल कंप्लीट करने लिए और टाइम नाल लोगों की डिमांड नू कंप्लीट करने लिए। अभी कह सकते हैं कि मीन मोड मीडियन वाले डाटा वगैरह यूज कर लेंगे या फिर कोरलेशन कोफिशिएंट ऑफ कोरलेशन रेग्रेशन एनालिसिस इदा दे मैथड नू यूज करके कंपनी जदों अपनी कंपनी की क्वालिटी कंट्रोल सैटअप करती है। थर्ड है एक्सेप्टेंस सैंपलिंग प्लैन, या फिर कंपनी जो है सैंपलिंग प्लैन यूज करती है। असं ये नहीं कह सकते पूरी के पूरे प्रोडक्ट में ही कंपनी सिलेक्ट कर लूगी, जदों प्रोडक्शन हो रही होगी प्रोडक्शन के क्वालिटी वाले परसन कुछ परसन जिमें अस कही घंटे के या फिर लॉट के कुछ पीस ले ले उन्होंने टैसटिंग करना। टैसटिंग अगर फेवरेबल है तो सारा का सारा समान जो है पास कर देना। अगर बाई द वे टैसटिंग एक अद्धा पीस भी कोई डिफेक्टिव निकल के आ गया तो सारा का सारा लॉट जो बन रहा होगा उन्होंने होल्ड लगा देना, दोबारा तो उन्होंने चैकिंग करवा के दोबारा तो फिर दोबारा तो उन्होंने प्रोसैस के लैके आना। इस तरह का काम भी कंपनी के कर दें क्वालिटी कंट्रोल करने लिए। अगे ने लिखा कि ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल के भी सब तो मेन सब इन्होंने ऑब्जेक्ट लिखा कि सब तो पहला ऑब्जेक्टिव यही लिखा कि कंपनी जो भी प्रोडक्ट बना रही है और लोंगर लाइफ वाला प्रोडक्ट बने इसलिए कंपनी क्वालिटी कंट्रोल करती है। दूसरा लिखा कि डिफेक्ट रिलेटेड जो इशू ने सू इदा लगता है भी आ सकते हैं असं वो एक्सैप्ट सैंपलिंग प्लैन के सिलेक्ट करके उन्होंने उस टाइम से दूर करने की कोशिश करिए, क्योंकि हरेक परसन में होंगे कि मान लो कंपनी 50% ही प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्वालिटी डिपार्टमेंट वाले ने 3-4 पीस भी ले जाए तो एक भी पीस कोई निकल के आ गया डिफेक्टिव वाला तो सारा सारा समान होल्ड होंगे, तो हरेक बंदा अपनी केयर नाल काम करना स्टार्ट कर देना ताकि किसी समान होल्ड लगाने की लोड़ ना हो। डिफेक्टिव सिस्टम दूर करने लिए भी कंपनी क्वालिटी कंट्रोल दे चल रही है। थर्ड है कि लार्ज स्केल जो कंपनी प्रोडक्शन होंगी होगी असं ये ना करिए कि इंटरचेंजेबिलिटी बार बार सू चेंजेस करने पैण, कोई लैवल से प्रोडक्शन चलता रहे और सारा कुछ क्वालिटी बेस्ड होता रहे इसलिए भी कंपनी क्वालिटी कंट्रोल करेगी। टू मेक हाई क्वालिटी गुड्स एट द लो कोस्ट, घट कीमत के हाई क्वालिटी कोस्ट गुड्स बनाइए ताकि सानू भी फ्यूचर के प्रॉफिट का बेनीफिट हो, इसलिए भी कंपनी क्वालिटी कंट्रोल करेगी। हाई क्वालिटी क्वांटिटी लैवल नाल कंपनी के पिछले मेन भी होगा कि कंपनी की मार्केट में गुडविल इनक्रीज हो गई कि लोग खुद कहेंगे असं उस कंपनी का समान खरीदना है कि उन्होंने समान के कितने भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। आफ्टर प्रोडक्शन कंपनी ज्यादा सर्विसिज ना देनी पैन इसलिए भी क्वालिटी कंट्रोल कंपनी करती है कि प्रोडक्ट अज ही वधिया बनया होगा तो बार बार सानू सर्विसिज के उपर जी थोड़ी कोस्ट पैंती है थोड़ा फ्री ऑफ जिम्मे एक साल की वारंटी के उपर कोस्ट कंपनी फ्री की पैंती है, बाई द वे किसी की प्रॉब्लम आई तो कंपनी फ्री ऑफ कोस्ट ठीक करके आऊगी तो कोस्ट कंपनी के उपर ना पवे इसलिए भी क्वालिटी कंट्रोल कंपनी करेगी। क्वालिटी कंट्रोल जन लिखे कि डू इंस्पेक्शन एज सून एज पॉसिबल। क्वालिटी कंट्रोल ये भी कहना इंश्योर किया जाता है भी इंस्पेक्शन पहला ही कर ली जो बेनीफिट है, बाद करना सू नुकसान हो सकता है। टू मोनीटर डेविएशन ड्यूरिंग द मैनुफैक्चरिंग प्रोसैस, मैनुफैक्चरिंग करते हुए जो भी सारे डिफरेंसिज आ रहे हैं उन्होंने चीज़ों चेक करने लिए भी कंपनी जो है क्वालिटी कंट्रोल करती है। जिम्मे एग्जाम्पल एक सैंपलिंग प्लान पिछले पढ़िया कंपनी सिलेक्ट करेगी सैंपल और प्रॉब्लम्स आनगियां होंगे तो डेविएशन या फिर डिफरेंसिज कहते हैं जो उन्होंने रिक्वायरमेंट होंगी है तो उस समान होल्ड लगा के उन्होंने खत्म कर जाना, दोबारा तो फिर उन्होंने रीइशू करवाना समान में फिर दोबारा फ्रेश तरीके से चेक करके फिर खत्म करना। इस चीज़ में भी खत्म करने कंपनी का क्वालिटी कंट्रोल पहले तो ही कर रही है। फिर है कहना क्वालिटी कंट्रोल टूल्स, जब कंपनी क्वालिटी कंट्रोल का काम करूगी तो कड़े टूल्स हो सकते हैं जिस बेस से कंपनी क्वालिटी कंट्रोल कर सकती है। कुछ कंपनी ने मैथड लिखे हुए हैं जो कंपनी क्वालिटी कंट्रोल के उपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट पाते हैं। सब तो पहला मैथड है चेक शीट,
चेक शीट असि कह सकते हैं कंपनी अपने हिसाब नाल कुछ सैंपलिंग दे विच कुछ मैटर रख लूगी कोई प्रोडक्शन कितने हो रहा है तो उहदे विच कड़ी कड़ी चीजा उन्होंने चेक करनी है। मान लो कंपनी ने एक बार दे विच 1000 पीस का लोड बने 1000 पीस दे विच उन्होंने कोई 5 या 10 पीस वेरिएबली कितों ना कितों चुक लेने हैगे ने उहदे विच की चीजा उन्होंने चेक करनिया ने। अगर उन्होंने लगता है कि जो फेवरेबल कंडीशन ने सारिया तो उसके उपर काम कर जाएंगे, अगर अनफेवरेबल कंडीशन एक पीस दे विच भी आनी है तो सारे सारे समान नूं होल्ड लगाना। इन्होंने चेकशीट लई इदां दा डाटा भी थोड़ा बहुत ग्रुप बना के दिखाया हुआ है, नंबर ऑफ पार्टिकुलर्स कंपनी सैटअप कर लूगी भी ए वाले एरिया दी समान लोग इत्थे कुछ उन्होंने लिख लिया कुछ भी कंडीशंस होणगीयां जो उन्होंने अपनी रखियां होणगीयां। अगर उन्होंने नंबरिंग इत्थे सारियां फेवरेबल आ रही ने तो सारा सारा समान जो लोड पास कर देंगे, अगर कोई एक भी चीज अनफेवरेबल कंडीशन च आंदियां ने तो कंपनी की सारा सारा समान होल्ड कर दें। चेकलिस्ट उन्होंने अपने ही प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग जो चीजा भी उन्होंने अपने प्रोडक्शन के चेक करने ने उ चीजा ही रखी जाती है। असं इदा नहीं कह सकते भी कंपनी ने किसी एग्जाम्पल जो लई हुई है, कोई टैबलेटेड फिगर कंपनी ने कंप्यूटर रिलेटेड इशू लिखे हुए हैं, कंप्यूटर रिलेटेड कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाते हैं या फिर कंप्यूटर ही रेडी करते हैं उन्होंने रिलेटेड जो भी इशू ने रखे हुए उन्होंने कपैसिटर रेजिस्टर ट्रांसफर कमांड्स सीआरटी सब तो ज्यादा जिम्मे दिखा रहे हैं कि सू लगता है कपैसिटर की सब तो ज्यादा प्रॉब्लम आदि है कंपैसिटर जो ने उन्होंने प्रोपर जो कंपनी चेक कर रही है भी प्रोपर लगे हैं या नहीं लगे है वो चेक करने के भी प्रॉब्लम है। मोस्टली कोई प्रोडक्शन हो रही होगी हरेक कंपनी के अपने अपने ही चेकलिस्ट मैथड होंगे जिन्होंने वो चेक करते हैं प्रोडक्शन के एक मैथड होंगे थोड़ा चेकलिस्ट। दूसरा थोड़े को मैथड है पेरीटो चार्ट, कंपनी जो है पेरीटो चार्ट बनाएगी अलग अलग एरिया के लिए, मीनस असं कह सकते हैं कि चार्ट तो मे बी सू सब बनाने आते हैं, नंबर ऑफ कंडीशन कंपनी अपने वालों कुछ ना कुछ रख लेगी, मान लो एक लिख सकते डिफेक्टिव पीस रिपेयरेबल पीस थर्ड उन्होंने रख लिया भी नॉट यूजेबल पीस, कंपनी इदा का भी चार्ट रेडी करेगी हरेक लिए अलग अलग कंडीशन उन्होंने सैटअप कर ली। जदों ग्राफ दे विच असीं देख रहे हैं कि साढ़े कोल जिहड़ी सी सब तो ज्यादा आ रही होगी, अगर बाई दा भी डिफेक्टिव पीस सब तो ज्यादा आ रहे हैं तो कंपनी सारा समान पहला ही होल्ड लगा दूगी, तो कंपनी लगता होगा कि साडा जो सैंपलिंग प्लान है उहदे डिफेक्टिव सब तो ज्यादा निकल रहे हैं तो असीं उत्थे सारा दा सारा समान होल्ड लगावांगे। दोबारा तो जिहड़े परसन ने बनाया होगा उन्होंने विदाउट कोई ओवर टाइम पे सॉरी जो भी इंपलॉयज कंपनी काम कर रहे होंगे या सुपरवाइजर काम कर रहे होंगे विदाउट उन्होंने ओवर टाइम पे करे भी दोबारा सारा सारा समान चेक करवाना फिर मार्केट के भेजना ताकि प्रॉब्लम बार बार दोबारा जनरेट ना हो। इदा यह भी नहीं होंगे कंपनी का भी रिपेयर वाले पीस भी आ रहे हैं तो रिपेयर वाले पीस तो बार बार रिपेयर कर देंगे, रिपेयर का अगर समान ज्यादा आ रहा होगा तो कंपनी उन्होंने भी होल्ड लगाती है। अगर प्रोपर पीस उन्होंने निकल के आ रहे हैं सैंपलिंग के कंपनी सारा सारा समान मार्केट जो उतार देंगे। थर्ड थोड़े को मैथड है कोज एंड इफेक्ट डायग्राम, कोज एंड इफेक्ट डायग्राम कंपनी के डायग्राम बनाएगी थोड़ी बुक बना के दिखाई हुई है, जो कंपनी को चीज दिखा रही होगी अंबाई का भी कंपनी लगता है कि डिफेक्टिव पीस आ रहे हैं तो नाल दिन दिखाएंगे जिन्हें डिफेक्टिव पीस आए हैं वह सू कि कोस्ट पै सकती है, कोई रिपेयरेबल पीस आए हैं वो सू कि कोस्ट पै सकती है, अगर कोई पीस अभी नॉट यूजेबल बना रहे हैं तो सू कि नुकसान है। हमेशा जो कंपनी इदा डायग्राम बनाती है सिर्फ अपनी कंपनी के जो इंपलॉयज ने या फिर सुपरवाइजर ने उन्होंने ट्रेनिंग देने लिए वो चार्ट रेडी करते हैं कि अगर तुम ये काम करोगे तो सूद नुकसान हो सकते हैं, इस बेस से भी कंपनी जो अपने कंपनी के जिन्हें भी इंपलॉयज ने या फिर जो सुपरवाइजर ने उन्होंने स्टडी करवाने लिए इदा के चार्ट भी रेडी करती है उन्होंने असं कोज एंड इफेक्ट डायग्राम कहने। तीसरा थोड़े को डायग्राम है स्कैटर डायग्राम, स्कैटर डायग्राम मोस्टली वैसे पॉपुलेशन के रिगार्डिंग भी यूज कराया जाता है, अगर सानू लगता है कि साडा प्रोडक्शन वैसे तो हमेशा एक लाइन के उपर ही होनी चाहिए कि साडी डायग्राम हमेशा अगर असीं चल रहे क्वालिटी इस तरह चल रही बाई का भी कई बार कंपनी की क्वालिटी अपलिफ्ट डाउन हो रही है तो कंपनी इधर भी इनक्रीज कर लूगी, अगर उन्होंने लगता है कि क्वालिटी उपर न हो रही तो कंपनी उपर न भी जाने, अगर कंपनी की फेवरेबल कंडीशन आने ने क्वालिटी लैवल अपलिफ्ट हो रहा होगा एक मेन लाइन के उपर न जा रहा तो कंपनी इधर समझ रही है मार्केट गुडविल इनक्रीज हो रही है साडे कोल पूरे साल के ना तो कोई सर्विसिज की रिक्वेस्ट आई है या फिर सर्विस रिक्वेस्ट पिछले साल असं मान लिया भी 100 सी इस साल सिर्फ 90 रह गई हर साल घटने चले जा रही हैं तो कंपनी समझो कि मार्केट गुडविल इनक्रीज हो रही है कस्टमर साडा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, अगर सर्विस रिक्वेस्ट इनक्रीज हो रही है तो मतलब कंपनी की बर्डन इनक्रीज हो रहा है कंपनी की कोस्ट बढ़ती चले जाएंगे इदा डायग्राम कंपनी रेडी कर दी स्कैटर डायग्राम कहने।
उस तो बाद है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम भी कंपनी जो है वैसे तो इस तरह का ही बनता है, हिस्ट्री बेस से कम चलते। मैंने एग्जाम्पल देखा भी कंपनी कहती है साढ़े को हर साल असं प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, सर्विसेज सानू किन्ने देने पै रहे हैं। अगर असं किसी साल के सब तो ज्यादा सर्विसेज दी कंपनी मेनटेन करके चलूगी, इसे कंपनी डाटा रेडी कर लेंदी है। हिस्टोग्राम ही एक चार्ट रेडी होगा, अलग अलग साल का डाटा होगा, हिस्ट्री बेस से दिखाएंगे किसी भी कंडीशन से, हर साल साढ़े कस्टमर किन्ने वधे या हर साल साढ़े कस्टमर किन्ने घटे, हर साल असी किन्नी रिपेयर करी, हर साल किन्नी नहीं करी, किन्नी वेस्टेज हुई किन्नी नहीं हुई हैगी। उस बेस से जो कंपनी डाटा रेडी करती है, अगर कंपनी लगता है कि पिछले सालों के भी सानू बेनीफिट हो रहे हैं तो कंपनी मार्केट से गुडविल समझूगी, हो सकता है क्वालिटी कंट्रोल भी प्रॉपर चल रहा है। अगर अनफेवरेबल कंडीशन ने, हर साल कभी घट रहे हैं कभी वध रहे हैं कभी घट रहे हैं कभी वध रहे हैं, मीनस हर जिवें दिखते हद तक घट गए फिर वध गए फिर घट गए फिर वध गए, तो कंपनी इदा लगता है कि साड़ी कंपनी दे विच कुछ इशूज हो सकते हैं, या फिर लेबर टर्नओवर का इशू हो सकता है, या फिर जब असीं प्रोडक्शन करते हैं तो उहदी साड़ी स्पीड ज्यादा हो सकती है, उस कंडीशन नूं दूर कंपनी करन दी कोशिश करदी है। उस तो बाद हैगा ग्राफ और फ्लो चार्ट। कंपनी जो है किसी काम नूं कंप्लीट करन लई जदों कोई ग्राफ रेडी कर लूगी, आपां जिवें कल या परसों वाली क्लास दे विच कीता सीगा वी एक प्रोजेक्ट नूं बनाना है, तो कंपनी उहदी एक्टिविटीज पहलां तो डिफाइन कर लोगे कि एक प्रोजेक्ट नूं कंप्लीट करन लई ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਚਾਰਟ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪਰਸਨ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਤੇ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫ ਔਰ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਇੱਕ ਹੀ ਡਾਟ। ਮੰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸਕੇ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਜਬ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਡਿਟ ਬੇਸ ਪੇ ਜੋ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲੇਗੀ ਕੰਪਨੀ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਲੇਗੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਰਟ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੋ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੇ ਕੇ। इसके बाद लास्ट आपके पास है कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट जो कंपनी में बनता है वो डिफेंड करता है कि कंपनी लगातार अपने स्टैंडर्ड से एक्चुअल में कितनी परफॉर्मेंस दे रही है। कंपनी बोलेगी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एक्चुअल परफॉर्मेंस, अगर तो स्टैंडर्ड ज्यादा है एक्चुअल परफॉर्मेंस कम है तो फेवरेबल कंडीशन होंगी, अगर स्टैंडर्ड एक्चुअल ज्यादा हो गया स्टैंडर्ड जो है कम है फिर कंपनी के लिए अनफेवरेबल कंडीशंस भी हो सकती हैं, तो उसके लिए भी कंपनी ऐसा ही चार्ट बनाएगी। कंट्रोल चार्ट है, एक लेवल रख दिया कि हमें इस लेवल से नीचे नहीं जाना भाई, अगर इस लेवल से नीचे जाना तो लॉस है, इस लेवल से ऊपर जाएंगे तो बेनिफिट है, वो इस तरह से बनती है। अगर कंपनी ऊपर की तरफ जा रही है तो परमानेंट कंपनी गुडविल इंक्रीज हो रही है, डाउन जा रही है तो कंपनी लॉस में जा रही हो। कंडीशंस कंपनी अपने एग्जांपल के बेस पे ही लेती है, जिस तरह का कोई प्रोडक्शन होगा उसके हिसाब से कंपनी क्वालिटी कंट्रोल करेंगे। मोस्टली किसी अच्छी कंपनी में देखोगे तो स्पेशली क्वालिटी का डिपार्टमेंट जरूर बनाता है, क्वालिटी सर्कल इसमें कम से कम 5-10% पूरी एम्प्लॉयज में पूरी कंपनी के लिए होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में क्वालिटी चेक करते रहते हैं ताकि कंपनी को बाद में इस चीज़ के लिए सफर ना करना पड़े कि आज प्रोडक्शन बना देंगे मार्केट में भेज देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सामान मार्केट में से रिपेयर वाला आता है, तो उस चीज़ को कम करने के लिए कंपनी क्वालिटी कंट्रोल पहले से ही। ये थे आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी क्वालिटी कंट्रोल टाइप सॉरी मेथड। उसके बाद आपके पास टॉपिक आ रहा है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो हमेशा कस्टमर के बेनिफिट या फिर कस्टमर ओरिएंटेड बेनिफिट के लिए ही काम करती है। कंपनी में ही एक डिपार्टमेंट ऐसा होगा जिसमें कुछ इंप्लॉयज रखे जाएंगे या फिर एक स्पेशल पर्सन जिसने क्वालिटी सर्कल के ऊपर स्टडी की होगी, वो पर्सन एक हेड होता है, उसके अंदर ही कुछ ना कुछ जूनियर पर्सन ऐड कर देते हैं जिसको हम क्वालिटी सर्कल मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं या फिर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट भी। इनका मेन काम एक होता है कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को कंप्लीट करना, दूसरा हमारी कंपनी की जो इकोनॉमी है उसको इम्प्रूव करना, इकोनॉमी का मतलब कंपनी के बेनिफिट या फिर जो कंपनी का प्रॉफिट है उसको इम्प्रूव करना, क्योंकि जब तक कंपनी क्वालिटी में काम नहीं करेगी कंपनी का लॉस ऑलवेज इंक्रीज होता चला जाएगा। इन्होंने लिखे भी हैं क्या क्या काम करती है कंपनी। सबसे पहले कस्टमर के लिए इंक्रीज प्रोडक्ट क्वालिटी, दूसरा है प्रोडक्ट के डिजाइन को इन्हांसमेंट बनाएगी, इंक्रीज द प्रोडक्ट प्रोडक्शन फ्लो, इंक्रीज द एम्प्लॉयर Employee morale and quality awareness, enhancing product service and increase in market acceptance. मार्केट में सभी लोग हमारा प्रोडक्ट एक्सेप्ट करें, जो कंपनी में एम्प्लॉयज हैं वो लगातार कंपनी में जुड़े रहें, कंपनी का प्रोडक्शन कभी स्लो ना हो, जो प्रोडक्ट का डिज़ाइन है वो लगातार ऐसा बनाएं कि सब लोग उसमें रिलायबल होते चले जाएं। ये सारे काम जो है कंपनी कस्टमर के लिए करती है। अगर कंपनी में कस्टमर के लिए जो सॉरी टोटल मैनेजमेंट है कंपनी की क्वालिटी, वो मैनेजमेंट सिर्फ कंपनी कस्टमर के लिए काम कर रही है। उसके बाद कुछ काम में भी हैं जो कंपनी में इकोनॉमी के लिए काम किए जाएंगे। सबसे पहले कॉस्ट कटिंग इनिशिएटिव, कहाँ कहाँ पे कंपनी के लिए कॉस्ट जो है कट हो सकती है उसके लिए कंपनी में ऑलवेज मैनेजमेंट काम करेगी। दूसरा लोअरिंग ऑपरेटिंग लॉसेस,
काम करने पे जो भी वेस्टेज आते हैं उनको खत्म करने का काम भी क्वालिटी मैनेजमेंट में किया जाएगा। कॉस्ट कटिंग इन फील्ड सर्विसेज, कंपनी जब प्रोडक्शन में काम कर रही है फील्ड का मतलब उसके बाद उनको सेल भी करनी पड़ेगी, मार्केट में जाना पड़ेगा, मार्केट के लिए एडवर्टाइजमेंट करना, या प्रोडक्ट कैसे सेल करना, किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सबसे ज्यादा कंपनी को पड़ती है तो उनको कैसे कम किया जा सकता है इसके लिए भी कंपनी काम करेगी। लायबिलिटी एक्सपोजर रिलेशन, कंपनी की जो बार बार देनदारी निकल के आती है उनको खत्म करने का काम भी कंपनी करती है। देनदारी में हो गया कंपनी को जो आफ्टर प्रोडक्ट जो सर्विसेज देनी पड़ेंगी उसको खत्म करने का काम भी कंपनी इसी मैनेजमेंट के तरीके से ही करेगी। उसके बाद आता है कंसेप्ट ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब होगी कंपनी जो अपनी कंपनी में जो प्रोडक्शन जो मैनेजमेंट सॉरी मैनेजमेंट होगी जो प्रोडक्शन चला उसमें किस तरह से इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन के रूल वो कंपनी अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं। हो सकता है कि बोल सकते हैं कि 1000 पीस में से 10 पीस हम सेलेक्ट करेंगे, हो सकता है कि अपने हिसाब से कुछ ना कुछ वेरिएबल में रैंडम में कुछ पीस चेक कर जाएंगे, या फिर कंपनी बोल सकती है कि हमारा एक स्पेशल पर्सन आपकी प्रोडक्शन में बैठेगा जो सारे के सारे प्रोडक्ट जो है चेक करता चला जाएगा, उसको भी हम बोल सकते हैं रैंडम वेरिएबल। मेरे पास जैसे कोई एग्जांपल है, मैंने देखा हुआ कंपनी जैसे लैंप बनाते हैं किसी कंपनी में, उसमें इंस्पेक्शन बहुत बढ़िया तरीके से होती है। जैसे वो लैंप बनाते हैं तो उनके पास डिग्री ऑफ वोल्टेज वाले स्विच लगे होते हैं, जैसे लैंप बनते चले जाएंगे वोल्टेज में फिट करते चले जाते हैं, यहाँ से लेके हम बोले वहां से लेके लास्ट तक इतनी बड़ी रोड लगी होती है जो ऐसे रोलिंग में चलती है, लैंप यहाँ से फिट करेंगे चलते जाने देंगे डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज के ऊपर चल के घूम के आके वापिस आके निकलते हैं, फिर उसको निकाल के पैक करते चले जाते हैं। जो जो लैंप इतनी तेज वोल्टेज में फेल होने वाले होते हैं वो पहले ही निकल जाते हैं, तो कंपनी को ऐसा लगता है कि हमने काफी लेवल तक जो इंस्पेक्शन कर ली कि जो हमारे प्रोडक्ट थे वो अच्छे बने हुए हैं कि खराब नहीं हुए। जो खराब होने वाले तो बीच में ही खराब हो जाते हैं, क्योंकि जब आप 0 वोल्टेज से लेके 200 वोल्टेज तक का भी एक सामान बनाओगे आगे तक बढ़ेगा वो लैंप, तो उसमें प्रॉब्लम्स पहले से ही दूर हो जाती हैं। तो कंपनी अपने लेवल में जब भी कोई इंस्पेक्शन करेगी उसको हम बोल सकते हैं इंस्पेक्शन। ये हमेशा इंस्पेक्शन जो है हमारी अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए की जाती है कंपनी में। कंपनी ऐसा नहीं बोल सकती कि हमें हमारे प्रोडक्ट में कोई डाउट है, जब उन्होंने खुद चेक कर लिया तो मतलब कि उनकी अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगी। कस्टमर की सेटिस्फेक्शन तो बाद में होनी जब उनके पास लैंप्स आएंगे। आप लोगों के घरों में जैसे कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं तो पहले आपकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन तो बाद में होती है, लेकिन कंपनी अपनी तरफ से काफी कुछ बोलती हैं जो कंपनी के एम्प्लॉयज होंगे, हमारे प्रोडक्ट में ये फीचर्स हैं उसके आपको ये बेनिफिट होंगे, मतलब कि उनकी सेल्फ इंस्पेक्शन पहले से ही की होती है। इंस्पेक्शन करने के पीछे ऑब्जेक्टिव, जितना भी डिफेक्टिव रॉ मटेरियल जितना भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट है वो पहले से निकाल लेना ताकि प्रोडक्शन में कोई प्रकार की प्रॉब्लम्स ना हो। जब भी प्रोडक्शन मार्केट में जाए तो कंपनी की गुडविल इंक्रीज हो, हमें जो भी हमें लगता है कि जो भी हमारे इश्यूज आते हैं स्पेशली रिपेयर के रिगार्डिंग वो पहले से ही दूर हो जाएं, कंपनी की अपनी इकोनॉमी कॉस्ट जो कम हो जाए, कंपनी में जो कंप्लेंट्स आती हैं वो लोअर लेवल में चले जाएं, क्वालिटी किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे, हमें खुद पहले ही चेक कर लेना इसलिए के लिए इंस्पेक्शन की जाएगी। उसके बाद कंपनी के जो गोल होते हैं उनको टाइमली अचीव करना, जितनी भी कंपनी की बैड कॉस्ट होती है उनको बैड कॉस्ट को कम करना, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस बेस्ट लेके आना, प्रोसेस में हमें क्या चीजें और ऐड करनी चाहिए या क्या चीजें नहीं ऐड करनी चाहिए उसके लिए पहले से कंपनी काम करना, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे होगी, इंस्पेक्टर के लिए क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, वो चीजें हमने पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं इंस्पेक्शन में हमारे पास कंपनी में काम किया जाएगा। फिर आता है स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल। कंपनी जो क्वालिटी कंट्रोल करेगी तो स्टैटिकल तरीके से कौन कौन से काम कर सकते हैं, वैसे बहुत सारे मेथड है, जब इन मेथड को हम कंपनी यूज करने जाएगी, पहले तो इन्होंने मेथड लिखे हैं कि वेरिएबल कंट्रोल चार्ट। कंपनी जो है काफी प्रकार के चार्ट यूज कर सकती है, पी चार्ट होगा, डी चार्ट होगा शायद, आर चार्ट होगा, या फिर सिग्मा, मैग्मा, ये सारी कंडीशन जो है स्टैटिकल टूल्स है। कंपनी वेरिएबल कंट्रोल चार्ट यूज करती है अपने डाटा में, जो भी उनके पास डाटा होगा सारे डाटा होगी इकट्ठा करती है। मान लीजिए कंपनी पर 10 फिगर्स दी हुई है, अलग 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 फिगर होंगी, यहाँ पे सबका टोटल होगा, टोटल करने के बाद सबका मीन निकालती है कंपनी। मीन बेस पे जब कंपनी काम करती है, हमारी एवरेज बेस पे कंपनी काम लेके चलती है, सभी चार्ट उसी फेवर में काम करते हैं। ज्यादातर ये चार्ट जो है हमारे पास इंडेक्स नंबर के ऊपर काम करते हैं, इसमें हमारे पास कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती कि हमें ऐसी कोई वैल्यूज दी जाएंगी उसके ऊपर हमें काम करना है, लेकिन कंपनी इन टेक्निक्स को भी यूज करती है। उनके पास पहले से अपने पास इंडेक्स वाला डाटा होता है जिस बेस पे उनको लगता है कि हमें कोई काम करना है, उस बेस पे हम लोग काम कर सकते हैं। दूसरा उनको लगता है कि एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट, एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट भी यही सारे चार्ट काम करते हैं, लेकिन उसमें सैम्पलिंग प्लान को यूज करते हैं। सैम्पलिंग मैं एग्जांपल कोई आपको ऐसे बोलूं तो
मान लो आपने पब्लिक में से अपने गुडविल को निकालना है, तो जहां जहां पे आपका प्रोडक्ट गया होगा, तो कंपनी डिफरेंट डिफरेंट सैम्पलिंग प्लान यूज कर सकती है। जैसे सबसे पहले बोले तो कि डिटेल में इंफॉर्मेशन लेना, जितने लोग इंटरव्यू देने वाले खड़े हैं सबसे इंफॉर्मेशन लेना, या फिर हम लोग कई बार देखते हैं न्यूज़पेपर वाले क्या करते हैं, कभी कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए जब लोगों से उन्हें इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी होती है, तो बहुत सारे लोग भीड़ में खड़े होते हैं, तो किसी किसी बंदों से रैंडमली सब लोगों को सिलेक्ट नहीं करते, कुछ कुछ लोगों को सिलेक्ट करके उनसे इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, आपको ऐसा क्या लगता है, ऐसा क्यों हुआ या क्या हुआ, सभी की रिकॉर्डिंग करना, बाद में जो हमारे लिए फेवरेबल कंडीशंस हैं या फेवरेबल आंसर्स हैं उनको सिलेक्ट करके अपना कंट्रोल करना, इसको भी कंपनी वेरिएबल या फिर स्टैटिकल टेक्निक्स में यूज करेगी। एक आता है कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल्स, वेरिएबल्स हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक वेरिएबल एक्स ऑन वाई या फिर वाई ऑन एक्स हम बोल सकते हैं कि एक्स का वाई के साथ रिलेशनशिप क्या है या वाई का एक्स का रिलेशनशिप क्या है। हमें इस तरह से कंपनी काम करेगी कि अगर हमारे पास किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसका किस चीज से रिलेशनशिप है, उनको फाइंड करना, चीजों को दूर करना। सबसे पहले जनरल कंपनी खुद इंस्पेक्शन करेगी, अगर उनको लगता है कि प्रोडक्ट हमारे पास ही सबसे ज्यादा इफेक्टिव आ रहे हैं तो क्या रीजंस हो सकते हैं, उन प्रॉब्लम को फाइंड करना। दूसरा ऑपोजिट हो जाता है कि बाय द वे हमने प्रोडक्ट सेल कर दिया, मार्केट में प्रॉब्लम्स लगातार एक जैसी प्रॉब्लम कौन सी आ रही है, तो हम उसको प्रोडक्शन में कंप्लेंट करेंगे, क्योंकि कंप्लेंट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। हो सकता है कैपेसिटर फेलियर हो जाए, हो सकता है कि प्रॉपर मशीन नहीं बंद हो जाए, हो सकता है कि बंदे को सर्विस रिगार्डिंग इशू होते हैं, कई बार उन्होंने फ्री ऑफ सर्विस को ऑप्शन देकर उन्हें जाते हैं, तो कंपनी उसके ऊपर प्रॉपर काम कर सकती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड है जो स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल में यूज करती है कंपनी, सिर्फ क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए। इसके लिए कोई स्पेशल हमें कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है, इन्होंने दी हुई है कुछ एग्जाम्पल ऐसे रेडी किए हुए हैं, मतलब डाटा लेके बाद में मीन निकाला हुआ, मीन के बाद जो वैल्यू ली है उनके कुछ क्लियरेंस नहीं है, कहां से वैल्यू ली है। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग। एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग कंपनी में इस चीज लिख रही, कंपनी अपनी टोटल टाइम जो भी कंपनी डिसाइड करेगी, मे बी एग्रीगेट टाइम हो सकता है 2 से 12 महीने, कम से कम जब लॉन्ग टाइम के लिए कंपनी कोई एक शेड्यूल सेटअप करेगी कि हमारी कंपनी में जो प्लानिंग होगी, ताकि लगातार इफेक्टिव तरीके से प्रोडक्शन हमारी कंपनी में चलता रहे, उस प्रोसेस को बोलते हैं एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग फॉर ए ऑर्गेनाइजेशन। जब कोई कंपनी, उनको लगता है कि जब हम लॉन्ग टाइम प्रोसीजर के लिए कोई अपना एक रूल्स, एक मेथड, या फिर हमें लगता है कि बेसिस जिस पे या फिर पॉलिसीज बनाना चाहते हैं, जिस पे हमारे प्रोडक्शन में किसी प्रकार की कोई रुकावटें ना आए, उसके लिए बोलते हैं एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग। इन्होंने लिखा भी आपके पास, ये कॉन्सेप्ट आपको बताएगा कि कंपनी इफेक्टिव प्रोडक्शन प्लानिंग जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में कैसे कर रही है, क्योंकि लगातार जब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को चलती है, बार बार वो रूल नहीं बना सकती, आज नया रूल बार बार नया रूल, या फिर हम बोलें कि लगातार कुछ स्टैंडर्ड सेटअप करने की बात आए तो कंपनी लगातार स्टैंडर्ड नहीं सेटअप कर सकती। मोस्टली कंपनी में जब कोई बैच सिस्टम में काम होता है, हम बहुत सिंपल वर्ड में समझते हैं, बैच सिस्टम होता है, एक होता है जॉब कोस्टिंग, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग, काम कर सकते हैं बैच में। हो गया कंपनी में जब भी कोई पर्सन काम करेगा तो कंपनी को जो भी प्रोडक्ट बनाने हैं कुछ बैचेस में बनेंगे। बैचेस समझते हैं, जैसे कि मान लो मेडिसिन बन रही है, मेडिसिन बनानी तो एक बार में ऐसा नहीं था लगातार कंपनी मेडिसिन एक चीज की बनाती चली जाएगी, कुछ केमिकल्स होते हैं जितनी बैच के डालेंगे वो बनेंगे, या फिर हम बोलें कि पेंट बन रहे हैं तो जितना पेंट बनाना है उसके लिए कंपनी को रॉ मटेरियल उतना डालना पड़ता है तब बन जाएगा, ऑटोमोटिव मशीन में बन जाएगा। जॉब पोस्टिंग होती है जब कस्टमर की स्पेशल रिक्वायरमेंट पे होती है, आप लोगों ने कुछ काम करवाना है, आप कंपनी को इन्फॉर्मेशन दोगे हमें स्पेशली काम करके, तो कंपनी अपना टोटल काम छोड़ के सिर्फ आपकी जॉब पहले कंप्लीट करेगी, उसके बाद कंपनी निकालेगी। एक होती है कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट एक साल आज कॉन्ट्रैक्ट किया, 5-10 साल के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, जैसे बिल्डिंग बनाने का हो गया, कोई कॉलोनी बनाने का हो गया, कोई फैक्ट्रीज बनाने का हो गया, ये सब काम जो है कंपनी पहले से ही डिसाइड कर लेती है, इसको क्या बोलते हैं कंपनी एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग। आपने मान लो एक टाइम में 500 हम बोलते हैं कि मेडिसिन के हमने टैबलेट बनानी है, अभी 500 के लिए कंपनी प्लानिंग पहले ही करेगी, एक बार में बैच डालेगी, तो इसी तरह कंपनी भी एग्रीगेट बोला उन्होंने भी, कंपनी जो भी मैन्युफैक्चरिंग की काम कर रही होंगी तो उनको लिए डेली नहीं होता, डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे हम बोलूँ की नॉर्मल स्टैंडर्ड, आइडियल स्टैंडर्ड, नॉर्मल होगा जो कंपनी में आज हमने स्टैंडर्ड सेटअप कर लिया लगातार कंपनी में काम चल रहा है। आइडियल कंडीशंस होगी जब कंपनी स्पेशल इसके लिए काम कर रही है, कोई हमारी कंपनी में बैच आया है, या फिर हमारी कंपनी में कोई स्पेशल जॉब आई है, या फिर कंपनी के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट आया है, कंपनी उसके लिए स्पेशल अटेंशन देने वाली है कि इसके बेस पे हमें काम करना होगा। वैसे तो कंपनी में नॉर्मल काम चल रहा है, नॉर्मल कॉस्टिंग निकलेगी,
जिसको हम अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग भी बोल सकते हैं, टोटल कॉस्ट कंपनी निकाल लेगी हमारा कितना प्रोडक्शन हुआ, जाए हिस्टोरिकल कॉस्टिंग में भी काम कर सकती है। लेकिन जब कंपनी स्पेशल उनको लगता है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग में किसी चीज के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, उस तरह की प्लानिंग को बोलते हैं एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग। कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट दोबारा से आगे वही लिखा है कि कंपनी हमेशा डिसाइड करके चलेगी कि कितने परसेंट लोगों को क्या क्या जिम्मेवारी देनी है। मैं एग्जांपल हूँ, कंपनी में जूनियर पर्सन भी हैं, सीनियर पर्सन भी हैं, तो उन्होंने कैटेगरी रखी हुई 30% जूनियर को कहता फेवरेबल कंडीशन में रख लो, कि जो पर्सन हमारे पास इम्प्लॉइज काम कर रहे हैं जो लोअर लेवल में, उनमें 30% लोग ऐसे फाइंड करो जो जिम्मेवारी लेने वाले पर्सन है, जिनको आप मॉनिटर बना सकते हो या फिर टीम लीडर बना सकते हो या फिर कमेटी बना के कमेटी मेंबर बना सकते हो, जो हमारी कंपनी में अथॉरिटी को बेस्ट तरीके से यूज कर सके। क्योंकि जब लेबर में काम हम लोग देखते हैं तो लेबर में सब लोग ऐसे नहीं होते कि सब लोग जिम्मेवारी से काम करेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे आए होते हैं कि सुबह मस्ती में आना है और शाम को अपने मस्ती से निकल जाना है। बहुत सारे लोग इनको होता है कि डेली बेस पे हमें पैसे टोटल मिल ही रहे हैं, काम करें ना करें, बहुत सारे लोग आइडल टाइम निकालने वाले होते हैं। लेकिन इन लोगों में से उन पर्सन को फाइंड करो जो सच्चे काम करवा सके, चाहे वो बातचीत दे करवाएं, चाहे इन्फ्लुएंस करके करवाएं, जिस तरह से मर्जी करवा सके। बाकी जो रेदर जो काम होता है 70% वो हमारी कंपनी के सीनियर मेंबर काम करेंगे, क्योंकि हमारी इंडियन इकोनॉमी में यही चीज चलता है, लोअर लेवल के लोगों को साथ में लिया जाता है, कम लिया जाता है, लेकिन टोटली रूल्स एंड रेगुलेशन जो है सीनियर मेंबर ही बनाते हैं। तो इस चीज को फेवर करने के लिए कंपनी जो है कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेशन को साथ में लेके चलती है। इसके पीछे इन्होंने स्ट्रेटजी भी लिखी है कंपनी क्या क्या यूज करेगी। स्ट्रेटजी में से कम कंपनी लिखा कि मोस्टली कंपनी को जो स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है इन चीजों के ऊपर बनानी पड़ती है, लेबर, मटेरियल और एक्सपेंसेस। ये ही किसी कंपनी के मेन जो तीन जो ऐसे टॉपिक हैं जिसके ऊपर कंपनी को सबसे ज्यादा काम करना पड़ता है, लेबर और मटेरियल के ऊपर। अगर हमारे पास एफिशिएंट लेबर होगी तो कंपनी की कॉस्ट ऑलवेज कम होगी। लेबर में अगर हम एफिशिएंट लेबर को रख रहे हैं तो उनको रिटेन कैसे करेंगे लगातार, क्योंकि जो एफिशिएंट हमारे पास बेस्ट एम्प्लॉइज होंगे कंपनी उनको जाने नहीं देती, कुछ भी कंडीशंस में उनको अपने में रखने की कोशिश करती है। ऐसा नहीं है कि बोले बंदा मुझे आज इतने पैसे हैं कल को इतने पैसे हैं, ऐसे नहीं होता। उनके साथ कुछ ना कुछ बार्गेन करके उन पर्सन को ना जाने देना, ये कंपनी हमेशा काम करेगी। टैलेंटेड पर्सन को अपने पास रिटेन रखेगी, जो पर्सन लगते हैं उनको रिप्लेस करने वाले हैं टाइम पे रिप्लेस करेगी, लेबर टर्नओवर को रिड्यूस करेगी। फिर आता है मटेरियल, कंपनी जितना सामान लेके आएगी उसमें बहुत सारे मेथड यूज करेगी इन्वेंटरी के लिए, वो हमारे पास आगे टॉपिक आएगा, वो सारे मेथड उसमें कवर हो जाएंगे। तो इन्वेंटरी में कंपनी क्या क्या करती है। फिर आते हैं एक्सपेंसिव, जो कंपनी के खर्चे हैं, अगर कंपनी इन दोनों चीजों को मेंटेन करती है तो कंपनी के खर्चे अपने आप ही कम हो जाएंगे। अगर ये कंपनी के मेंटेन लेवल में है ही नहीं, ना लेबर कंपनी के कंट्रोल में है, बार बार कंपनी में स्ट्राइक हो रही है, आइडल टाइम बहुत हो रहा है, लेबर टर्नओवर बहुत है, तो कंपनी के खर्चे अपने आप ही बढ़ जाएंगे। डिफरेंट खर्चे हो सकते हैं, मटेरियल कंपनी प्रॉपर कंट्रोल में नहीं कर रही तो वो भी कंपनी के डिफरेंट खर्चेस हो सकते हैं। तो मोस्टली जो कंपनी स्ट्रेटजी बनाएगी प्रोडक्शन में तो लेबर और मटेरियल के लिए सबसे ज्यादा बनाने वाली होगी, क्योंकि कंपनी की कैपिटल का मेन रोल होता है लेबर और मटेरियल के ऊपर। ज्यादातर कंपनी इन्वेस्टमेंट जब भी पैसे करेगी इन दोनों चीजों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करती है। ये सारे इन्वेस्टमेंट करने के उन्होंने स्टेप नीचे बताए हैं किन किन स्टेप के ऊपर कंपनी काम कर सकती है। पहला स्टेप इन्होंने बताया कंपनी प्रॉपर वर्कफोर्स साइज को डिसाइड करेगी, कितने लोगों को हायर करना है और कितने लोगों को निकालना है, ये हमेशा कंपनी देखेगी। सबसे पहले कंपनी मतलब इस चीज के ऊपर ध्यान रखेगी कि जो वर्कफोर्स का साइज है हमारे पास वो कितना होना चाहिए, वर्कफोर्स जो लेबर है कितने लोगों को रखना है, कितने लोगों को हटाना है। ज्यादातर कंपनी में होता है कि लेबर टर्नओवर दो तीन तरीके से हो जाएगा, खुद कंपनी लेबर जो है लेबर छोड़ के जाती है, एक होता है लेबर की रिप्लेसमेंट। जब कंपनी रिप्लेसमेंट में जाएगी तो वो देखेगी किन किन लोगों को रिप्लेस करना है, किन लोगों को हायर करना है। जो लोग खुद छोड़ के जा रहे हैं उनमें टैलेंटेड पर्सन को हायर करना है, या इसमें एक मेथड आता है फ्लक्स मेथड, दोनों चीजों को इकट्ठा ही देखा जाएगा, लेबर रिप्लेसमेंट वाली भी और लेबर खुद छोड़ के जाने वाली भी, जो खुद कंपनी को लीव करके जाते हैं, दोनों को टोटल करके एवरेज बेस पे देखते हैं कितने एम्प्लॉइज हमारी हर साल हमारी कंपनी में छोड़ निकल के जा रहे हैं, तो उस बेस पे कंपनी को पहले से ही काम करना होगा। अगर इसके ऊपर कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करनी है तो किस बेस पे करनी है। हम मोस्टली देखते हैं कि आज के टाइम में अगर अच्छी जॉब में जाना है आपको, कंपनी जो है कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दी है, कॉन्ट्रैक्ट कीजिए 4-5 साल के लिए, और भी अच्छी कोई मान ली जॉब आपके पास लग रही उनको लगता है सुपरवाइजर या फिर मैनेजर या फिर असिस्टेंट जो जॉब पे जा रहे हैं, तो कंपनी बोलती है कॉन्ट्रैक्ट तो आपको करना ही पड़ेगा, सम अमाउंट ऑफ मनी आपको हमारे पास डिपॉजिट भी करवानी पड़ेगी, जिसका हम आपको पैसे का इंटरेस्ट भी देंगे,
जब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा आपके पैसे वापस कर दिए जाएंगे, फिर आपके ऊपर डिपेंड होगा कि आपने कंपनी छोड़नी है नहीं छोड़नी। क्योंकि कई बार कंपनी के एम्प्लॉय को रख ले बंदे छोड़ के चले जाते हैं, तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए कंपनी ने आजकल ये मेथड भी अडॉप्ट कर लिया है कि आपसे इन्वेस्टमेंट करवाएंगे कंपनी में। आप कम से कम 50,000, 30,000, 60,000 या लाख रुपए कंपनी में रखिए, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको बैंकों में मिलने वाला है हम आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन डिपेंड में आपको कंपनी छोड़ के नहीं जाना है, तो इसके लिए भी कंपनी काम करती है। दूसरा आएगा कि वेरी वर्किंग हावर्स, वर्किंग हावर के ऊपर कंपनी आजकल काम करना स्टार्ट कर दी है। मोस्टली हम लोग देखते हैं कि ज्यादातर कंपनी जितनी भी प्रोडक्शन में काम कर रही है, ज्यादातर कंपनी में अब चल गया है कि पीस रेट सिस्टम में काम चल रहा है। पीस रेट, जितने पीस बनाओगे उतने पैसे आपको मिलने वाले हैं। पहले कंपनियों में काम होता था कि एक दिन के इतने पैसे हैं भाई, 400 500 जो भी मिलने वाले हैं, 300 जो भी हैं, लेकिन आज के टाइम में कंपनी हटा दी सिस्टम। ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां कर रही हैं जहां पे ज्यादातर लोहे का जो काम चल रहा है, जहां पे या फिर कोई नट बोल्ट या कोई पीस बन रहे हैं या फिर कुछ ऐसी चीजें बन रही हैं, वहां पर उन्होंने सेटअप कर दी पीस रेट में। इतने पीस बनाओगे इतने रुपए के हिसाब से, इससे ज्यादा काम करोगे तो आपको 10% भी मिलेगी, इससे ज्यादा काम करोगे तो 120% मतलब टारगेट रख लेते हैं 0 से 80%। अगर आप डेली बेस पे 80% का काम करते हो आपकी कीमत वही 100 रुपए के हिसाब से मान लो। अगर मोर देन 80 और लेस देन 100 के काम कर रहे हो, 80 से 20 के बीच में, तो आपको 110% की कीमत के हिसाब से पैसे मिलेंगे। अगर आप लोग 100 पीस से ज्यादा बना रहे हो तो 120% मतलब बोनस रेट पे हम लोग सेटअप कर सकते हैं। तो इस तरह से कंपनी काम करना स्टार्ट की है। हमारी कंपनी में प्रोडक्शन के लिए प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए और इसमें भी ये कंडीशन रखते हैं कि जो प्रोडक्ट आप बनाओगे वो आपके पास क्वालिटी वाले होने चाहिए, विदाउट क्वालिटी आप प्रोडक्ट नहीं बनाने वाले। हम प्रोडक्ट चेक करेंगे, अगर आपके प्रोडक्शन में बिल्कुल परफेक्शन आई है तो आपको बोनस मिलेगा। अगर परफेक्शन नहीं है, जो सामान आपका बनाया गया है उसको रिजेक्ट करके आपको दोबारा उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बना सकते अंधाधुंध फायरिंग करो, जैसे बोलते अंधे को बंदूक दे दो भी क्या कह देगा, तो अंधाधुंध फायरिंग ही कर सकते हैं। फौज में ऐसे ही कराया था ना चुटकुला भी, मुझे हायर कर लो तो मैं क्या बोले आप लोग क्या करोगे भाई, कहता जब जंग लगी तो मुझे बंदूक दे देना, मैंने आंखें बंद करके गोलियां चलानी, अंधाधुंध फायरिंग, कौन कौन मरेंगे, मतलब हमारी तरफ पलट गया फिर क्या करेगा, हमें भी तो मरेगा, तो हम नहीं रख सकते भाई इस चीज में। तो ये कंडीशंस कंपनियों में भी चलती है। बोनस के चक्कर में आप लोग कंपनी का नुकसान नहीं कर सकते, आपको फेवरेबल कंडीशन में काम करनी होगी। उसके बाद है सब कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी काम कर सकती है। अपने इम्प्लॉयज तो उन्होंने रखे ही हुए हैं, कुछ इम्प्लॉयज कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बाहर से भी बुलाए जाएंगे डेली बेस पे, जब जितने पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी। मान लो कंपनी में परमानेंट इम्प्लॉयज सिर्फ 10 है, जब कंपनी का काम चल रहा है, कंपनी में इमरजेंसी कंडीशन है तो हम बाहर से 2, 3, 4 जब भी जुड़ दोगे डेली बेस पे कुछ पर्सन को बुला लेंगे, और कॉन्ट्रैक्ट में ये भी क्लियर करेंगे जो बंदे ठेकेदारी में आएंगे डेली बेस पे आने वाले पर्सन होंगे उन्हीं को रखेंगे, क्योंकि जो बंदा आज काम दे गया कल को फिर ना आए फिर प्रॉब्लम जनरेट हो जाएंगी। तो कॉन्ट्रैक्ट वाले पर्सन को ये भी बोला जाएगा कि उस पर्सन को रखो जो लगातार आपके साथ जुड़ के काम करते हैं। देखते हैं हम लोग ठेकेदारी में कंपनी में काम चलता है, ठेकेदारी में कंपनी में काम चलने के पीछे यही होता है कंपनी जो अपनी कॉस्ट भी कम करना चाहती है और अपने बेनिफिट के लिए भी कंपनी काम देखती है। तो आज के लिए इतना ही बोलता है, बाकी हम लोग कल करते हैं।